चला जाता है क्लास के। देखिए आप लोग का लास्ट लॉ है, बाकी हमने पढ़ा दिया है और तो डिटेल से जितना पढ़िएगा हो जाएगा। गे लुसिक, एल यू डबल एस ए सी, लुसिक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग, और आपको लास्ट कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। एनसीईआरटी मिलाइएगा, एनसीईआरटी में एक भी पार्ट आप लोगों को छोड़ा नहीं जा रहा है, ठीक है। क्या होगा, हमने किए थे, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। व्हेन गैसेस रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे से रिएक्शन कर रहे हैं, विथ ईच अदर दे डू सो इन वॉल्यूम्स। सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। होल नंबर वगैरह सब पढ़ा चुके, बहुत न्यूमेरिकल आप लोगों को हम बनवाए हैं, जिनका छूटा है कुछ चिंता नहीं करना है, फिर से हम बता देंगे। और जल्दी आने जा रहा है बोर्ड वगैरह आएगा, अप टू द वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आप लोगों को सिर्फ डिफिनेशन पूछता है, बट हम एग्जांपल के साथ बताते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, पढ़ते रहेगा। इफ दीज आर ऑल्सो गैसेज प्रोवाइडेड मतलब एक शर्त है प्रोवाइडेड दैट, आप लोग बोलते हो इंग्लिश में प्रोवाइडेड, बसरते, हिंदी अगर नहीं आता तो हिंदी लिख सकते हो बसरते, जितने भी आपको हम दे दिए गैस, बोल दिए कि 25 डिग्री सेल्सियस पर एक्सपेरिमेंट करो, और अपने हम ले लिए बोलते कि हम 40 डिग्री सेल्सियस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, गलत है। आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना है ध्यान रखना है कि वहाँ टेम्परेचर और प्रेशर कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। प्रोवाइडेड ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर्ड अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ आर, ये वाला ना, वॉल्यूम्स आर, ऑल वॉल्यूम्स आर मेजर दी बता रहे विच बियर मतलब ढोना, विच बियर, अच्छा थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं, सॉरी, विच बियर सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्ट्स इफ दीज आर ऑल्सो गैसेज प्रोवाइडेड। ये ध्यान रखना है कि जितना भी वॉल्यूम्स वगैरह आप मेजर कर रहे हो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि आपको कोई और टेम्परेचर पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मनीष सर अपना कुछ और पर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इसको देखिएगा। एंड प्रेशर, यही था आपका गे लुसिक लॉ। सीबीएसई स्कूलिंग पढ़ा रहे हैं तो ये सभी आपको ध्यान देना होगा, दिक्कत हो जाएगा ना सब, मान लो कि अगर छोड़ देते हो तो फिर उसके बाद प्रॉब्लम आगे चल के होगा। देखो यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन गैस है, रिएक्शन किया, ये भी गैस है, ध्यान देना, ये भी गैस, और गे लुसिक जो बताया था गैस पर ही बताया था ना, गैस के बारे में बताया था, क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। भैया इसको बैलेंस कर दो, ये हो गया टू, क्या कह सकते, HCl भी गैस के फॉर्म में बढ़ रहा है, तो देखते हैं वन वॉल्यूम, यहाँ क्या है वन वॉल्यूम H2 का रिएक्शन किया, वन वॉल्यूम Cl2 का, और क्या बना, टू वॉल्यूम HCl बना, कितना बना, टू वॉल्यूम बना, तीन का रेशियो देखो तो क्या आ रहा है, वन इज टू, क्या ये है होल नंबर रेशियो,
आर्य समझ में यही ना बताया था। एक और एग्जांपल बताओ, आप बताओ हाइड्रोजन गैस है, एक और एग्जांपल नंबर वन हो गया, एग्जांपल नंबर टू ले लो, हाइड्रोजन गैस है, रिएक्शन करेगा नाइट्रोजन गैस से, ये बनाएगा, क्या बनाएगा बोलिए, ये भी तो गैस है ना, बैलेंस करो, दो एन टू है, टू करो थ्री एच टू है, क्या आया, थ्री वॉल्यूम हाइड्रोजन का देखो और नाइट्रोजन का एक वॉल्यूम रहा, वन वॉल्यूम एन टू का, ये टू वॉल्यूम रहा एन एच थ्री का। सर बोलेंगे सर ये भी तो वही आया, थ्री इज टू वन इज टू टू, ये भी तो सिंपल होल नंबर में ही दिख रहा है, तो गेल उसे को तो फॉलो कर रहा है, यही तो गेल उसे बोल रहा था कितना इजी में हो गया ना, यही तो बोला था कि जब भी अगर गैसियस है तो वो हमेशा होल नंबर रेशियो में ही हम लोग को दिखेगा।